बुद्ध विहार समिति की नई कार्यकारिणी का गठन, भयंकर सिंह बोध बने नए अध्यक्ष। बुद्ध विहार समिति मुरादाबाद शपथ ग्रहण समारोह 16 अप्रैल को जेतवन बुद्ध विहार मंझोला मुरादाबाद में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से बोध वंदना करके कार्यक्रम का आरंभ किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके एक दूसरे को अम्बेडकर जयंती की बधाई दी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भक्तों ने अपने अपने विचार रखे और अम्बेडकर साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि अम्बेडकर साहब ने नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो। इसी पर काम करते हुए दलित समाज ने आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। इस मौके पर बुद्ध विहार समिति की नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपने विचार रखे। नई कार्यकारिणी कमेटी वीर सिंह मुख्य चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। संरक्षक रामचंद्र सागर, अध्यक्ष भयंकर सिंह बोध, उपाध्यक्ष बीएम सिंह, उपाध्यक्ष किरण लता, महामंत्री इंद्रजीत सिंह, उप महामंत्री डॉक्टर कैलाश कुमार, कोषाध्यक्ष लखपत सिंह, संगठन मंत्री प्रेम सिंह, संगठन मंत्री बहुरंत सिंह, प्रचार मंत्री रमेश चंद्र मौर्य, प्रचार मंत्री समर सागर आदि लोग मौजूद रहे। ये आज हमारा प्रोग्राम जो है बाबा साहब के जन्म उत्सव का था। बाबा साहब का जन्मदिन यहाँ पे बाबा साहब के चित्र पे फूल माला चढ़ा के मनाया गया। बाबा साहब को सभी श्रद्धा अर्पित किए हैं और ये प्रोग्राम हमारा बुद्ध वंदना से प्रारंभ हुआ। और आज इसके साथ साथ ही, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकलती है, कल्चरल स्कूल से हमारी शोभा यात्रा निकलती है और बुद्ध विहार यानी अजतमन बुद्ध विहार में आके समाप्त होती है, उसके बाद जनसभा होती है। लेकिन कोविड के कारण से इसलिए इस बार जो है शोभा यात्रा नहीं निकाली गई है और कोविड का पालन करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए हमने यहाँ पर ही छोटा प्रोग्राम किया है। उसके साथ साथ ही 14/3/2021 को हमारा नव निर्वाचित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, जिसका शपथ समारोह नहीं हुआ था। तो उसके आज उस कार्यकारिणी नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई गई है माननीय सदस्य वीर सिंह जी के द्वारा। तो आज का ये प्रोग्राम हमारा रहा है जो शपथ समारोह इसमें रहा और बाबा साहब का हमें जन्मदिन का जो है मनाया गया है, यही आज का प्रोग्राम था। इसीलिए सुबह सुबह हमने सभी को मंगल कामना दी है और सभी को हार्दिक बधाई, सभी को जय भीम।